लोकसभा चुनाव से पहले हंगामा, पार्टी में गरमाई राजनीति, संजय निरुपम को पार्टी से निकाला, सीनियर नेता ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियों के अंदर नेताओं के आने जाने का मामला भी गरमाया हुआ है। अब खबर है महाराष्ट्र से, जहां कांग्रेस ने अपने सीनियर नेता पर एक्शन लिया है। कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधियों बयानों के चलते निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। इससे पहले कांग्रेस ने निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया था। देखा जाए तो कांग्रेस ने पहले निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया और उसके बाद उन पर एक्शन लेने की बात सामने आने लगी और आखिरी में उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। तो वहीं भला आप संजय निरुपम भी कहां चुप बैठने वाले हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने गुरुवार को ही बड़ा ऐलान करने की बात कही। कांग्रेस आलाकमान के इस एक्शन से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें संजय को पार्टी से निकालने की बात कही गई। इतना ही नहीं, उन्हें स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि हमने संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है। बुधवार को ही कांग्रेस की बैठक में संजय को पार्टी से निष्कासित किए जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। आपको बता दें कि दरअसल ये एक्शन क्यों लिया गया है। संजय निरुपम कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने यहां से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिससे निरुपम गुस्सा हो गए। निरुपम ने पहले भी सीट बंटवारे में कांग्रेस पर हावी होने के लिए शिवसेना यूबीटी की आलोचना की थी। महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से उन्हें निष्कासित करने के प्रस्ताव के बाद संजय ने कहा था कि कांग्रेस मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट ना करे, बल्कि अपनी बची कुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो एक हफ्ते की अवधि दी थी वो आज पूरी हो गई, कल मैं खुद फैसला ले लूंगा। बता दें कि अगर संजय निरुपम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ अगर उनकी डील फिक्स होती है तो फिर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे गुट ग्रुप के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर के सामने वो उतर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी की तरफ से कीर्तिकर का नाम घोषित किए जाने के बाद से निरुपम उन पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कीर्तिकर को खिचड़ी चोर तक कह डाला था। शिवसेना काफी समय से सीट के मजबूत कैंडिडेट की तलाश में जुटी हुई थी। ऐसे में अगर निरुपम पर दाव ठीक बैठता है तो नॉर्थ वेस्ट सीट पर निरुपम बनाम कीर्तिकर की लड़ाई संभव है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर किसका नाम फाइनल होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।